हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन केमिस्ट्री क्लास। आज अपन जो बात करने वाले हैं, पिछले वाली क्लास में अपन ने बात की थी मृदा जीवांश पदार्थ होते हैं, उन जीवांश पदार्थों की संगठन के बारे में बात की थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं जो संगठन में अपन ने देखा था कार्बनिक और अकार्बनिक घटक थे, और कार्बनिक जो घटक थे उनके अंदर अपन ने देखा था नाइट्रोजन उपस्थित था और अनुपस्थित वाला पार्ट था। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है जीवांश का विघटन। जीवांश जो पदार्थ होते हैं वो टूटते कैसे हैं, जीवांश जो पदार्थ हैं, बने बनाए जो पदार्थ आपके पास में हैं, जीवांश पदार्थ हैं। जैसे मेरे पास में ये पेन है, मैं कह रहा हूँ अगर ये जीवांश पदार्थ इसको मान लो, तो अगर ये टूटेगा तो टूटेगा कैसे, किसमें टूटेगा, कौन सा वाला भाग सबसे पहले टूटेगा, तो सबसे कमजोर भाग होगा वही तो सबसे पहले टूटेगा। इसका मतलब होगा इस वाले पार्ट को मैं अलग कर सकता हूँ, ये टूट गया, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से अलग कर सकता हूँ, ये टूटना विच्छेदन करना कहलाएगा। इस वाले पार्ट को तोड़ना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। इसका मतलब क्या होगा, सेम वही कहानी यहाँ पर है। जीवांश जो पदार्थ होते हैं उनका विच्छेदन होता कैसे है, इसका मतलब सबसे पहले अपने को क्लियर होना चाहिए। विच्छेदन का मतलब होता क्या है, किसकी उपस्थिति में टूटता है। विच्छेदन अपने आप नहीं होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं वो इसमें काम करते हैं। और मुख्य रूप से जो सूक्ष्म जीव हैं वो कौन कौन से हैं जो जीवांश पदार्थ को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे आपके पास में जीवाणु, जीवाणु कौन है, जीवाणु है या कवक वगैरह होते हैं, फंजाई जो होते हैं कवक, या एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, जीवांश पदार्थों को तोड़ा जाता है। इनकी उपस्थिति के अंदर सरल पदार्थों में या सरल कंपाउंडों में, सरल यौगिक के अंदर इनके टूटने की जो प्रवृत्ति होती है, सरल यौगिक जो बनाते हैं ये टूटने की जो प्रक्रिया होती है, सरल यौगिक बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या बोलते हैं, विच्छेदन। क्या बोलते हैं उसको, विच्छेदन बोला जाता है। तो परिभाषा क्या हो गई, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन की परिभाषा क्या हुई, जीवांश पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु कवक एक्टिनोमाइसिटीज की उपस्थिति में जटिल पदार्थों से सरल कार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, जीवांश का विच्छेदन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, जीवांश का विच्छेदन कहते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं जीवांश पदार्थों का जो विच्छेदन होता है उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या प्रक्रिया होती है, टूटते कैसे। सबसे पहले अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन टूटेगा, जो सबसे सरल प्रकार की होगी। सबसे सरल प्रकार की अगर बात करें तो अपने पास में है कार्बोहाइड्रेट, कौन है सबसे पहले अपने पास, कौन टूटने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट है या जो वसा होती है ये सबसे पहले क्या होते हैं, विच्छेदन शो करते हैं। उसके बाद में अपने पास जो सरल पदार्थ होते हैं कौन से होते हैं, सरल जो कंपाउंड होते हैं, सरल पदार्थ जो होते हैं, सरल कंपाउंड होते हैं वो सबसे पहले टूटते हैं, आसानी से टूटने वाले पदार्थ इसमें आते हैं वो टूटते हैं। उसके बाद अपने पास में आती है फूड प्रोटीन जो होती है, खाने वाली जो प्रोटीन होती है ये बनता है, फूड प्रोटीन जो वाला पार्ट है ये विच्छेदित हो जाता है जीवांश पदार्थों में। उसके बाद अपने पास में आता है फूड प्रोटीन के बाद वो आता है अपने पास में कौन सा, हेमीसेल्युलोज। आपको याद होगा अपन ने एक सारणी बनाई थी पिछली क्लास में, उसमें देखा था हेमीसेल्युलोज जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जा रहा था, हेमीसेल्युलोज कौन पाया जा रहा था, हेमीसेल्युलोज। और ये वाला जो पदार्थ होता है ये जिसके बाद में टूटता है कौन, सेल्युलोज, कौन टूटता है, सेल्युलोज जो होते हैं ये टूटते हैं सेल्युलोज। और सेल्युलोज के बाद में जो अपने पास में पदार्थ आते हैं जो सबसे कठोर पदार्थ, इसमें अगर बात करें तो लिग्निन जो सबसे लास्ट में टूटता है वो कौन होता है, लिग्निन होता है, कौन होता है, लिग्निन। तो ये ऑर्डर पाया जाता है, क्रम पाया जाता है, सबसे पहले कौन टूटेगा भाई, जो सरल होगा जो लचीला होगा वो आसानी सबसे पहले टूटेगा। उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट जो वसा होते हैं वो सबसे पहले टूट करके समाप्त हो जाते हैं या अवयव में टूट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है। फूड प्रोटीन है, फिर उसका नंबर आता है फूड प्रोटीन का, उसका विच्छेदन होता है, हेमीसेल्युलोज का विच्छेदन होता है, फिर उसके बाद में सेल्युलोज का होता है, और सबसे लास्ट में किसका होता है भाई, लिग्निन का। अपन कह सकते हैं कि जीवांश पदार्थ में जो सबसे धीरे टूटता है, सबसे धीरे टूटने वाला जो पदार्थ होता है वो कौन होता है, लिग्निन, कौन होता है, लिग्निन होता है। तो जीवांश विच्छेदन में सबसे धीरे टूटने वाला पदार्थ कौन सा होता है, लिग्निन होता है। और सबसे जल्दी टूटने वाला पदार्थ की बात करें तो कौन है,
कार्बोहाइड्रेट जो वसा होती है वो सबसे फास्ट टूटती है। तो इनके विच्छेदन का प्रोसेस की अगर बात की है अपन, यहाँ पर कौन जल्दी टूटेगा कौन है? लेट जाकर के टूटेगा, ये डिपेंड करता है उसकी रासायनिक संगठन के आधार पर निर्भर करता है। अब अपन जो बात करने वाले इसके अंदर है, मुख्य रूप से अपने पास जो पदार्थ शीघ्रता से कौन विचलित हुआ और शीघ्रता से कौन नहीं हुआ उनकी अपन यहाँ पर बात की है। अब अपन जो बात करने वाले कि सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट ये वाले कैसे टूटते हैं, इनका विच्छेदन होता कैसे है? तो देखते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता है इनका विच्छेदन कैसे होता है। देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन कैसे होगा, तो सबसे पहले अपना नेक्स्ट इसी पार्ट के अंदर एक टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका विच्छेदन कैसे होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन कैसे करेंगे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मुख्य रूप से ये किसमें टूटते हैं, ये मुख्य रूप से किसमें टूटेंगे, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किसमें टूट रहा था आपने देखा होगा, ये सरल जो अपने पास है पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं, सरल जो पदार्थ होते हैं, सरल शर्कराएं, क्या बोलते हैं, सरल शर्करा जो होती है उनके अंदर ये टूट जाता है। इसके अलावा किसमें टूटते हैं भाई, इसके अलावा ये टूटते हैं आपको याद होगा, आपको पढ़ा था अपन ने, हेमी सेल्यूलोज में टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, हेमी सेल्यूलोज में टूट जाता है या सेल्यूलोस के अंदर टूट जाता है, सेल्यूलोस में ये टूट जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये लिग्निन में, लिग्निन जो होते हैं लिग्निन के अंदर भी टूट जाते हैं, बना सकते हैं प्रोटीन भी बनाए जा सकते हैं, ये सारे आदि विच्छेदन होता है। तो मुख्य रूप से का ये मुख्यतः किसमें, सरल शर्कराओं में टूट जाता है, हेमी सेल्यूलोस, सेल्यूलोस, लिग्निन, प्रोटीन, इन सब का निर्माण किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट के विघटन से ही इनका निर्माण हो जाता है। ओके, सबसे पहले पर बात करें इसमें एक एक पॉइंट की बात करने वाले हैं, कौन सा किस प्रॉपर्टी से टूट रहा है। सबसे पहले देखिए आप सरल शर्करा किसकी बात कर रहे हैं अपन, सरल जो शर्करा होती है, सरल जो शर्करा है वो टूटने पर क्या क्या बनाती है। अब देखिए सरल शर्करा, शर्करा का सूत्र पता होना चाहिए सबसे पहले अपने, कार्बनिक केमिस्ट्री में शर्करा का सूत्र होता है C6H12O6, ये आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है वो क्या है क्या नहीं है, C6H6O6 शर्करा का सूत्र होता है। अब इसको अपने को तोड़ना है, अब तोड़ने की जो प्रक्रिया होगी तो उससे क्या क्या बनेगा, अलग अलग प्रकार से इसको तोड़ा जाएगा और अलग अलग पदार्थ अपने को प्राप्त होंगे। सबसे पहले C6H12O6 को अगर अपन तोड़े किसकी उपस्थिति में, वायुमंडल की ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको तोड़ते हैं, O2 की उपस्थिति में अगर इसको तोड़ते हैं तो आप सभी जानते हैं पौधे जो होते हैं मोस्टली क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाते हैं, शर्करा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शर्करा, जिसको अपने स्टार्च कहते हैं। इसका अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो जाता है, क्या कराते हैं, इसका श्वसन कराते हैं, दहन कराते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा ही, और जलेगा तो क्या बनेगा अपने को मिलेगा यहाँ से CO2, क्या मिलेगा CO2, साथ में क्या मिलेगा H2O, क्या निकलेगा CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में क्या बनेगा यहाँ से अपने को पानी मिलेगा, समझ गए बात है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर। अगर इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ये ऑक्सीजन जो होता है वो कम मात्रा में ऑक्सीजन अगर उपस्थित होता है, ये क्या है, अधिक मात्रा में अगर होता है तब तो क्या बनेगा अपने पास में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में ये होगा। अगर कम मात्रा में ऑक्सीजन अपन लेते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है तो नॉर्मली अपन देखिए कम मात्रा में अगर लेते हैं तो अपने पास जो पदार्थ बनते हैं वो बन जाते हैं ऑक्सैलिक अम्ल, क्या बन जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। अब अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सैलिक अम्ल होता क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला है COOH और COOH। अब ये फॉर्मूले वगैरह हैं, ये फॉर्मूले का निर्माण कैसे होता है, रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं, आपने लेवल क्लास में सीखा है वहाँ से भाई याद करना पड़ेगा आपको किसका फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। ये आपने को पहली बार इसको देख रहे हो तो लग रहा होगा अटपटा ये पता नहीं क्या आ गया है, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देंगे एक दो बार 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 आएगा तो अपने वैसे ही याद हो जाएगा फॉर्मूले का सूत्र वगैरह क्या होता है। ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला COH यानी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ही क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल है, ये भी अपने किससे प्राप्त होते हैं, सरल शर्करा के टूटने से अपने को प्राप्त हो जाता है, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति के अंदर। अगर मैं इस वाले पार्ट को शर्करा को अगर वायु की अनुपस्थिति में तोड़ देता हूँ, किसकी उपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में, अब O2 की अनुपस्थिति में अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो क्या क्या बनेगा, इसमें मुख्य रूप से अपने को जो मिलने वाले हैं वो मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा लैक्टिक अम्ल, क्या बनेगा,
लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। और एक अपने को जो मिलने वाला है वो होता है ब्यूटेरिक अम्ल। क्या बनेगा? ब्यूटेरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो वायु की उपस्थिति और अनुपस्थिति में दो पदार्थ बनते हैं। अगर वायु की अनुपस्थिति है तब तो लैक्टिक अम्ल, और क्या बनेगा? ब्यूटेरिक अम्ल बनेगा। और अगर वायुमंडल की ऑक्सीजन की उपस्थिति है, वो भी कम मात्रा में अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो क्या क्या बनेंगे? CO2 बनेंगे या H2 बनेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? श्वसन। क्या बोलते हैं? प्लांट में श्वसन की प्रक्रिया होती है, उसमें यही विघटन होता है। ये औपचारिक अम्ल होता है, इसका निर्माण यहाँ पर हो जाता है मोस्टली, और साथ में क्या निकल जाता है यहाँ से? वाटर यानी पानी का निर्माण हो जाता है। ये तो क्या कहलाता है? सरल शर्कराओं का विघटन दो टाइप से होता है। कैसे? वायुमंडल की ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में, यानी वायवीय श्वसन के द्वारा भी टूट सकता है और अवायवीय श्वसन के द्वारा भी टूट सकता है। तो वायवीय श्वसन में टूटेगा तो क्या बनेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। और अवायवीय श्वसन होगा तो क्या बनेंगे? लैक्टिक अम्ल और ब्यूटेरिक अम्ल जो होते हैं, इनका निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो अपन देखा सरल शर्कराएं किस किस में टूटते हैं, ये अपने को थोड़ा सा यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, ये फिलहाल अपन ने इसके अंदर देखा है कार्बनिक जो पदार्थ, जीवांश जो पदार्थ होते हैं, उनका विच्छेदन होता कैसे है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है मुख्य रूप से, कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन होता है वो अलग अलग पार्टों के अंदर होता है, उसका अपन एक एक को पढ़ रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले अपन ने आज किसके बारे में बात की, इसमें कार्बोहाइड्रेट में सरल जो शर्कराएं होती है जिसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6, वो टूटता है तो क्या क्या बनते हैं, ये अपन इसके अंदर देखा है। नेक्स्ट वाले में अपन बात करेंगे दूसरा जो उसका पॉइंट रहेगा, स्टार्च वगैरह जो होते हैं, सेल्यूलोज होता है, हेमिसेल्यूलोज होता है, प्रोटीन्स होती हैं, वो किसके अंदर टूटती हैं, ये प्रोसेस अपन अगले वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।